मसीह यसु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम ग्रुप्स को, तमाम ग्रुप्स के मेम्बरान को आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे जीजो, आइए मैं आपके लिए खुदाम के जिंदगी बख्श कलामे से पलूस रसूल का खत रोमियों के नाम उसका 15 बाब पहली 6 आयात आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गरज हम जोर आवरों को चाहिए कि ना तवानों की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और कलाम किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें, और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यसु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद कर। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने का खास बरकत हो। मेरे अजीजो, आपने खुदा का कलाम सुना, इसमें हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि जो कुछ करो दूसरों के लिए करो, अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहो। और खुदा यीशु मसीह ने दुनिया में आकर ऐसा ही किया, वो चाहता है कि हम तरक्की करें, हम अपने खुदा के आगे झुकें, हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। सो मेरे अजीजो, हमने यीशु जैसा मिजाज बनाना है, यीशु जैसा बनना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम यीशु जैसे बनो। और पूरे मुकद्दस पाक कलाम में अगर हम गौर करें तो हमेशा यीशु मसीह ने दूसरों की बेहतरी चाही है, दूसरों के लिए उसने किया है। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सूली पे लटके हुए हैं, लोग दान तान कर रहे हैं, जो उसके मुखालफ हैं बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, क्या ये बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। कितनी बड़ी बात है। सो मेरे अजीजो, यीशु मसीह ने हमारी खातिर इस दुनिया में आकर हमें निजात की राह दिखाई, निजात बख्शी, मखलसी बख्शी, और हमारी खातिर उसने दुख उठाया।
कीती जिंदगी च कोई ना खता ये सुने पुगी मेरे गुनाह दे सजा ये सुने पुगी मेरे गुनाह दे सजा ये सुने। देखे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, इंसान बना और उसने कोई गुनाह ना किया, कोई उस पर गुनाह साबित ना कर सका, फिर भी वो हमारे गुनाहों की खातर सूली पे चला, अजीत की मौत बर्दाश्त की। क्यों? तो वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है और खुदा भी उसका बाप हमसे प्यार करता है और उसके प्यार का ये तकाजा देखे कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजो, यीशु मसीह ने एक के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, बल्कि उसने कुल नस्ल इंसानी के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उसने कहा कि जो कोई, और जो कोई में पूरी कौम में पूरी दुनिया आती है। और हम देखते हैं कि मसीही मजहब जो है आलमगीर मजहब है, उसमें हर किस्म के लोग, हर मजहब के लोग पाए जाते हैं, चाहे कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, हर तरह के लोग जो है, क्योंकि कुल कायनात उस पर ईमान रखती है और उसे जानती है और उसे मानती है, पहचानती है कि यीशु मसीह है कौन। सो मेरे अजीजो, यीशु मसीह ने हमें ये दर्श दिया, हमें ये सिखाया कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों का बोझ उठाएं, दूसरों से प्यार करें, मोहब्बत करें और जो कुछ करें ये जानकर करें कि हम जो कुछ करते हैं वो यीशु मसीह के लिए करते हैं। मेरे अजीजो, जो कुर्बानी, जो कुछ यीशु ने किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। और हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं, वैसे आप तजिया करें कि यीशु मसीह जिंदा है और अब्दुलाबाद जिंदा रहेगा क्योंकि वो हमारा निजात दिंदा। आइए हम अपने आप को उसके सुपुर्द करें, उसके आगे झुके, उसी से मांगे ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी अता करे। मेरे अजीजों, आइए मैं आपके लिए दुआ को, आसमान और जमीन के बनाने वाले, कुल कायनात के खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, बड़ी आजजी निकसारी से तेरे कदमों में सजदा रेज हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तू बलाया, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पूछता है, तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ है। मेरे खुदावंदा, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पूछता है। ऐ खुदा खुदा, रहम कर, रहम कर, अपने लोगों के साथ हो, कुल कायनात के साथ हो और खुदावंद जितने भी अकवाम पाकिस्तान में हैं,
सब आपस में मोहब्बत प्यार से रह सके और खुदावंद जो कुछ ये मिलजुल कर पूरी हकूमत को कबीना को तेरे हाथ में देता हूँ, वो जो कुछ भी करे मुल्क की बेहतरी के लिए करे, अकवामों की बेहतरी के लिए करे, एक दूसरे के लिए कुछ करे, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार रखें और तेरा नाम जलाल पाए। सो खुदावंद अगर कोई बदरू गिरफ्तार है उसे मखलसी दे, आजादी दे, अगर कोई मुसीबत ज़्यादा है उसके भी साथ हो, अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद जैसी नेमत दे, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु नाम में ख़त्म हो जाए, जो भी किसी की कोई प्रॉब्लम है वो यीशु नाम में ख़त्म हो जाए और यीशु नाम में वो तंदुरुस्ती पाए, जिंदगी पाए। सो मैं सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरी दुआ आप तक पहुंचे, आमीन। जय यीशु। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, आमीन।